This is Siddharth Khurana, once again back with the new recipe. We are preparing vegetable cutlets today. If you like the recipe, please don't forget to share and subscribe. Now, here's the recipe. I have taken these boiled potatoes. These are 4 potatoes, approximate 400 grams, and grated one. Now I am adding salt to taste. 1/2 teaspoon of red chili flakes. Basically, जिसको हम बोलते हैं कुटी हुई लाल मिर्च. Next हम इसमें डाल रहे हैं हरी मिर्च 1 चम्मच, fine chop की हुई. हरी मिर्च ऑप्शनल है, अगर आप ना डालना चाहें तो ना भी डालें, कोई इसमें जरूरी नहीं है कि हरी मिर्च डालनी है. 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला, 1/2 छोटा चम्मच अजवाइन, 2 कटा हुआ हरा धनिया 2 चम्मच, 2 चॉप की हुई गाजर, ये करीब करीब 1 कटोरी के आसपास है, या आप 1 गाजर फाइन चॉप कर सकते हैं. और इसमें हम ऐड कर रहे हैं फाइन चॉप की हुई बारीक कटी हुई फ्रेश बीन्स. अगर आप चाहें तो इसमें और भी सब्जियां ऐड कर सकते हैं, जैसे ताजे मटर, थोड़ा पनीर बारीक कटा हुआ. अब मैं इसमें डालने जा रहा हूँ बेसन, जिसको हम होल ग्राम फ्लोर भी बोलते हैं, करीब 2 टेबल स्पून है ये. 1/2 नींबू का रस, साथ में मैंने 2 ब्रेड स्लाइस लिए हैं, जिनको मैं पानी में डिप करके निचोड़ के डालूंगा, जिससे रेसिपी में एक क्रंचीनेस आ जाएगी. इसकी जो स्किन ऊपर से सिकेगी वो थोड़ी करारी सिकेगी. बिल्कुल मैंने डिप करके अच्छे से निचोड़ रहा हूँ इनको, और मैश करके सारे इंग्रेडिएंट्स के साथ मिक्स कर दूंगा. मैंने अच्छे से भिगो के मैश कर लिए, मैंने इनको मिक्स कर रहा हूँ. इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स को हमें मिक्स करना है प्रॉपरली. अब हम थोड़ा सा ऑयल से हाथ अपने ग्रीस कर लेंगे, और इस बैटर की इक्वल बॉल्स कट करके उनकी शेपिंग करेंगे. बॉल्स थोड़े अच्छे साइज के होने चाहिए ताकि कटलेट की अप्रोप्रिएट शेप आ सके. शेप करना शुरू करेंगे, थोड़ा सा ऑयल फिर से लगाएंगे, बिल्कुल गोला बना के इसको बीच में से दबाएंगे, फिर आगे से ऐसे दबाएंगे, फिर प्रेस करेंगे, फिर ऐसे दबाएंगे, फिर प्रेस करेंगे, साइड टर्न कर लेंगे, फिर एक साइड से दबाएंगे आगे से, फिर प्रेस करेंगे. इस तरीके से दोनों तरफ से करेंगे, कटलेट की अप्रोप्रिएट शेप आ जाएगी. देखिए आप, कटलेट की शेप आ गई है.
ये कटलेट्स हमारे रेडी है, अब हम इनको डीप फ्राई करेंगे। उसके लिए मैंने ऑयल लिया है एक पैन में, इसको हम हीट करके इनमें डीप फ्राई करेंगे। ऑयल हीट होना शुरू हो गया है। इसको हम दोनों तरफ से सेकेंगे और एक जग से डालने के बाद ना हिलाएं। थोड़ा सा सिकने दें तब साइड टर्न करेंगे, क्योंकि दोनों तरफ से सेकना है। अगर जल्दी हिला देंगे तो टूटने का डर रहता है। जैसे मैं देख रहा हूँ हल्का हल्का ब्राउन होना शुरू हो गया है, इसको मैंने टर्न कर दिया है। दोनों साइड से सेकेंगे, अनदर वन भी टर्न कर दिया। थोड़ा थोड़ा बीच बीच में हिलाएंगे कि एक जगह पर रहने से नीचे से स्किन एक खास जगह से डार्क होने का डर रहता है, तो सब तरफ से बराबर ब्राउन को इसलिए यूज करते रहेंगे। थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने तक सेकेंगे। बिल्कुल सिक गए हैं हमारे कटलेट्स, तैयार हैं एकदम निकालने के लिए। सर्व करें गर्मा गर्म केचप के साथ या मिंट सॉस के साथ, जैसे आपको पसंद आए। कटलेट्स एंजॉय करें और शेयर और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।